हेलो दोस्तों, आप सभी को एशियन कुक की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम थोड़ा यूनिक सा पैनकेक बनाने जा रहे हैं, जिसे हम बनाएंगे राइस के आटे में और ओट्स भी डालेंगे साथ में। तो हमें एक मिक्सर पे राइस डाल देना है, उसे ग्रेन कर देना है, उसका पूरा आटा बना देना है। उसके बाद हमने उसमें ओट्स लेना है, उसको भी सेम पीसना है, फ्लावर बना देना है उसका भी। और उसके बाद हम इसमें एक एग क्रैक करके डालेंगे। एग क्रैक करने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून शुगर, हाफ टी स्पून वनीला, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, और इसे हम मिक्स करेंगे विद मिल्क। दूध भी डालेंगे, दूध के साथ हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा आपको इसको, कि इसमें आटे का गांठ ना रहे। तो इसे प्लीज़ अच्छे से मिक्स करिए, कुछ इस तरह से। बहुत ही अच्छे से फिटिए इसे, तो आपका जितना अच्छा फिटेगा उतना अच्छा पैनकेक बनेगा। अच्छे से फीटने के बाद कुछ इस तरह से हम बना देंगे। और उसके बाद हम नॉन स्टिक में बटर लगाएंगे अच्छे से, ताकि पैनकेक का कलर अच्छा आए। इसलिए हमने बटर लगाने के बाद, उसे साफ करने के बाद, हमने तब जाके पैनकेक का मसाला इस पर डाला है। जैसे ही आपके पैनकेक में ऐसे बबल्स दिखे तो आपको तुरंत पलटाना है, और आपका पैनकेक का कलर कुछ इस तरह से दिखेगा, बहुत ही लाजवाब। और आपके पैनकेक बन के तैयार है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो प्लीज़ आप घर पे भी ट्राई करें ज़रूर, और अपने फैमिली वाले को भी खिलाएं। बहुत ही अच्छा और हेल्थी है ये पैनकेक। और इसमें हम मेपल सिरप और चॉकलेट सिरप ऑन टॉप करके कट कर देंगे। कट करने के बाद आपका पैनकेक कुछ इस तरह से दिखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर रियली आपको लाइक अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।